Welcome to the SAP ABAP training program, and here we are going to start with the ABAP workbench. Here this is an overview of that what we have discussed previously, like presentation layer and application layer and database layer, which is in which there is a repository, what we are discussing, focusing today more, and there is a client specific application data, customizing data. Client specific matlab, agar client agar le le, suppose who's making company and Coca-Cola company, so all those who's making companies in India will using the same type of specification, so it is called client specific. Coca-Cola companies, all the Coca-Cola companies need a same type of specification, that's why it will use another application data and customizing data. But क्रॉस क्लाइंट होता है जो कि सूज कंपनी कोकोला कंपनी बोथ कैन बी यूज, सो इट इज अ क्रॉस क्लाइंट. तो रिपोजिटरी के बारे में पढ़ाई करेंगे. रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं. पैकेजेस कुछ हर कंपनी में कुछ एमएम्स होते हैं, मेटेरियल मैनेजमेंट वाले होते हैं, एचआर होते हैं, तो उनके लिए कुछ जो जो चीज जरूरत होता है वो है फंक्शन मॉड्यूल, टेबल डेफिनेशन एंड प्रोग्राम्स. ये जो प्रोग्राम्स फंक्शन मॉड्यूल चाहिए है, ये है एबैपर का काम. सो एबैपर के को भी कुछ टूल्स चाहिए होता है, जो कि ABAP एडिटर, फंक्शन बिल्डर, क्लास बिल्डर्स, ये सब ABAPer को भी जरूरत है. तो इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं. तो इसके पहले हम बता दें कि ABAP वर्कबेंच ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट इज एन IDE, कलेक्शन ऑफ टूल्स टू डेवलप, टेस्ट एंड रन ABAP प्रोग्राम्स. After SAP NetWeaver 7.31, SAP introduced ABAP development tools, which is ABAP in Eclipse. ABAP tools in the ABAP workbench, ये जो हमने बताया, ये हम पहले बता चुके हैं. तो ये स्क्रीन पेंटर, मेन्यू पेंटर, ऑब्जेक्ट नेविगेटर, क्लास बिल्डर, फंक्शन बिल्डर, ABAP डेटा डिक्शनरी, ABAP एडिटर, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. तो उससे पहले देखते हैं कि ABAP सोर्स कोड. ABAP सोर्स कोड के लिए किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इसका जो ABAP रन टाइम है वो इंटरप्रेट भी करता है और एग्जीक्यूट करता है ABAP कोड को. क्यों? क्योंकि ABAP रन टाइम एनवायरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट. एंड उसके ABAP में क्या होता है, वर्क प्रोसेस में एक डेटाबेस इंटरफेस है जिसका हम पढ़ाई किए थे, जो कि अंडरलाइन डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है. ओपन SQL native SQL का ओपन SQL पार्ट यूज करता है और इसके अपने कंट्रोल मैकेनिज्म, और उसको वही काम करता है जो कि native SQL करता है, एंड डेटा रिडंडेंसी को ये अवॉइड करता है. जैसे हम SAP खोलते हैं, हमको ऑब्वियसली यहाँ पर तीन चार चीजें होते हैं, यूजर आईडी या पासवर्ड, लॉग इन लैंग्वेज, लॉग ऑन लैंग्वेज जैसे कोई इंग्लिश, एंड क्लाइंट आईडी. क्लाइंट जैसे बताया था कि सूज कोकोला कंपनी या फिर एजुकेशन, जो इसको हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग काम का है, तो हमारा 800 है क्लाइंट. सो एलिमेंट फॉर SAP स्क्रीन क्या होता है, SAP इजी एसेस जो स्क्रीन है वही सबसे पहले नजर आता है आपको जैसे आप खोलते हो. तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, पहले मेनू बार यहाँ देखते हैं. मेनू बार, तो मेनू बार में क्या होता है, SAP मेनू, यूजर मेनू और फेवरेट मेनू. तो फेवरेट्स में आप अगर SAP मेनू है, आप ABAPer यूज करते हो, तो टूल जरूरत है. इस टूल के अंदर आपका जो भी फंक्शन है, सपोज SE38, उसको आप अपने फेवरेट में डाल सकते हो. फेवरेट डालने से आप उसको जल्दी एसेस कर सकते हो और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. यूजर मेनू, तो यूजर के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर कोई टूल जरूरत है फाइनेंस को, फाइनेंस वाले की टूल जरूरत है, तो उसको एक अपना अलग सा टूल जरूरत है, तो वो यहाँ पर दिखा सकता है, यूजर स्पेसिफिक में माना जाएगा. और जैसे हम डिसाइड देखें कि मेनू बार में क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक मेनू, सिस्टम मेनू या हेल्प मेनू. एंड उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, इसको आप आइदर एनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो, या फिर कस्टमाइज बाय मेनू पेंटर कर सकते हो. मैंने मेनू पेंटर से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो एनेबल है, डिसेबल है, या फिर कुछ ऑर्डर इसको क्लिक करने से ऐसा होगा, उसको कस्टमाइज आप मेनू पेंटर से कर सकते हो. देन टाइटल बार यहाँ दिखाता है ये कौन सा स्क्रीन है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन टूल बार, उसके बाद एप्लीकेशन टूल बार ये क्विक एसेस के लिए काम करता है. एप्लीकेशन स्पेसिफिक आइकॉन एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. एंड उसके बाद स्टेटस बार यहाँ पर दिखाता है कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है, कुछ एरर है ना नहीं, और कुछ ये कौन सा सर्वर है, क्लाइंट है, यूजर आईडी है, ऑल दिस थिंग्स आर शोन इन द स्टेटस बार. In the right side, there is an icon is there. You can click over there. You can see what is a server, a client, and user ID. और कमांड जो ट्रांजेक्शन कोड यूज होते हैं, इसको आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हो क्विक एसेस के लिए. और हाइफन एन, अगर वही स्क्रीन को टर्मिनेट करना चाहते हो तो हाइफन एन, और डिबग करना चाहते हो तो हाइफन एच, फॉरवर्ड स्लैश एच इसे बोलते हैं.
और कोई भी जो ट्रांजेक्शन कोड होते हैं वहां पर ए से एक्स के जो होते हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये रिजर्व होता है एसएपी एप्लीकेशन के लिए। वाई और जेड जो होता है वो कस्टमर नेम्स, हम लोग जो भी अगर ट्रांजेक्शन कोड कुछ बनाना चाहते हैं उसको वाई और जेड से बना सकते हैं। ट्रांजेक्शन कोड एंडिंग विथ 1, 2, and 3 हैज गॉट क्रिएशन एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग, या एन फॉर एंजॉय ट्रांजेक्शन। As navigation and opening of transactions, तो जो भी हम स्क्रीन देखें उसको हम मल्टीपल स्क्रीन भी ओपन कर सकते हैं, और हर एक स्क्रीन को हम बोलते हैं ईच एसएपी विंडो दैट यू ओपन इज कॉल्ड अ सेशन। तो जब हम फॉरवर्ड स्लैश एन लिखते हैं टर्मिनेट द करंट सेशन, जो हमारा स्क्रीन है पहले से उसको बंद कर देगा और ओपन अ न्यू सेशन, जैसे फॉरवर्ड स्लैश एन SC93, तो पहले वाला अगर कोई भी स्क्रीन है उसको बंद कर देगा, दूसरे वाले को ओपन करेगा। हाइफेन फॉरवर्ड स्लैश ओ का मतलब है पहले वाले स्क्रीन भी रहेगा और दूसरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अगर मैं ओ करता हूं तो दो दो स्क्रीन ओपन हो सकते हैं। सॉरी, ट्रांजेक्शन कोड डिस्प्ले फॉर ईच एप्लीकेशन, जैसे SC38 हो गया, SC11 हो गया, SC80 हो गया, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एसएपी मेनू में टूल में जाएंगे और वहां पर आप SC11 यहां पर देख रहे हैं और इसके साथ यहां पर लिखा होगा, तो ये डिसेबल भी कर सकते हैं, एनेबल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनेबल है इसलिए आपको दिख रहा है एबैप डिक्शनरी का SC11 है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये सब समझ सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द एबैप वर्कबेंच टूल एंड नो हाउ दे आर इंटीग्रेटेड इनटू द ऑब्जेक्ट मैन नेविगेटर टू प्रोवाइड एन आईडी, हम लोग अभी वही देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका जो डिफरेंट टूल्स, तो हम इसके बारे में देखते हैं। पहले है एबैप एडिटर SC38, इसमें क्या कर सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन क्लास बिल्डर या फंक्शन बिल्डर स्क्रीन पेंटर इंटीग्रेटेड विद एबैप वर्कबेंच टूल्स, तो यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको एडिटर चाहिए, फ्रंट एंड एडिटर जहां सोर्स कोड मोड हो सकता है, ये वाला न्यू है। फ्रंट एंड एडिटर प्लेन टेक्स्ट मोड जो कि पहले ओल्ड वर्जन में था, या बैक एंड एडिटर्स लाइन बेस्ड मोड, लाइन बाय लाइन वो कंपाइल लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता था। तो सोर्स कोड मोड इज मोर एडवांस्ड। सो हियर एज इट इज इन द सी और C++ यू कैन सी द लाइन ब्रेक्स एंड अदर फंक्शनैलिटीज। आप अगर लिख रहे हो तो अपने आप ही नया क्या कमांड है वो आ जाएगा। तो इस तरह दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर। देन इज योर फंक्शन बिल्डर। फंक्शन बिल्डर का काम क्या है, फंक्शन बिल्डर के अंदर बहुत सारे फंक्शन मॉड्यूल्स होते हैं। फंक्शन मॉड्यूल अपने आप में रन नहीं कर सकता, फंक्शन बिल्डर उसको क्रिएट भी कर सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको रन टेस्ट भी कर सकता है कि फंक्शन मॉड्यूल कैसे काम करता है। फंक्शन मॉड्यूल को अगर हम दूसरे प्रोग्राम में लेके जाते हैं तब जाके उस फंक्शन मॉड्यूल को हम दूसरे प्रोग्राम में रन कर सकते हैं। तो फंक्शन मॉड्यूल जो भी बनाया जाता है वो ग्लोबली सबके लिए बन गया, तो जो हमको जरूरत है हम वैसा फंक्शन मॉड्यूल ले जा सकते हैं। फिर हो गया क्लास बिल्डर। क्लास बिल्डर का एडवांटेज है क्रिएट डिफाइन एंड चेंज टेक्स्ट ग्लोबल एबैप क्लासेस एंड इंटरफेस। ये ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे यहाँ पर है। इनहेरिटेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, रिडिफाइन मेथड इन सब क्लास, मेंटेन एट्रीब्यूट्स मेथड एंड इवेंट्स फॉर क्लासेस, प्रोवाइड रन टाइम टू टेस्ट क्लास एंड इंटरफेस। और उसके बाद हो गया स्क्रीन पेंटर। कोई भी स्क्रीन को अगर बनाना है तो जो भी हमारे प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमको उसके लिए एक स्क्रीन भी बनाना पड़ेगा, जहां पर कि स्क्रीन में आप स्क्रीन पेंटर मेनू पेंटर यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन बनाने से ही आप उसमें एक बटन देंगे जिसको बटन क्लिक करने से वो प्रोग्राम रन करेगा। सो स्क्रीन पेंटर क्रिएट स्क्रीन एंड मेंटेन स्क्रीन फ्लो लॉजिक। So there are three screens are there, selection screen, list screen and general screens. In the selection and list screen, they are generated by ABAP keywords. However, the general screen designed and maintained by screen painter. And इसके तीन attributes होते हैं, जैसे description हो गया, type of हो गया और default behavior हो गया। तो हर एक screen के उसके description, type and default behavior उसके attributes में आते हैं। और types of screens में आएंगे जैसे normal screen, sub screen and model dialog box. स्क्रीन में और भी चीज जरूरत है जैसे एलिमेंट लिस्ट एंड स्क्रीन लेआउट। इसमें होता है जैसे इनपुट आउटपुट फील्ड्स, स्क्रीन में आपको इनपुट फील्ड्स देने पड़ते हैं, टेक्स्ट फील्ड देने पड़ते हैं, रेडियो बटन देना पड़ता है, चेकबॉक्स देना पड़ता है, टैब टू ऑटोमेटिकली फिल द स्क्रीन एलिमेंट्स। और फ्लो लॉजिक होगा, मेंटेन फ्लो लॉजिक, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन जब जाएंगे तो उसके लिए फ्लो लॉजिक होना चाहिए, उसको हम फ्लो लॉजिक बोलते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स इज ग्राफिकल लेआउट एडिटर्स इन SAP GUI फॉर विंडोज। तो हो गया, नेक्स्ट हो गया मेन्यू पेंटर। मेन्यू पेंटर
ABAP-SE41 for maintain design and maintain user interface for ABAP program. जैसे हम इंटरफेस करना चाहते हैं स्क्रीन में, तो उसके लिए हमको कुछ मेनू चाहिए. तो मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एप्लीकेशन टूल बार, इसको डिजाइन एंड मेंटेन का काम करता है मेनू पेंटर. नेक्स्ट हो गया ABAP डिक्शनरी. ABAP डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है. ABAP डिक्शनरी क्या होता है? ABAP-SE11 सेंट्रली क्रिएट एंड मेंटेन डेटा डिक्शनरी एंड सेंट्रली क्रिएट एंड मेंटेन ग्लोबल यूजर इंटरफेस. तो यहाँ पर आप डेटा एलिमेंट स्ट्रक्चर और टेबल टाइप ऑब्जेक्ट्स टेबल व्यूज ये सब का आप एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप रख सकते हो, ताकि कोई भी टेबल हम बनाते हैं, सपोज नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस और ब्रांच हो गया किसी स्टूडेंट का. दूसरा टेबल बनाया जिसमें हमने नेम बनाया और उसका ब्रांच बनाया, तो ये टेबल और ये टेबल को हम कोरिलेट भी कर सकते हैं. तो ये टेबल में जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को जो स्टोर किया जाता है वो है डेटा डिक्शनरी, ताकि अगर वही स्ट्रक्चर किसी और यूजर को चाहिए तो वो डेटा डिक्शनरी से वो स्ट्रक्चर ले सकता है. और अगर उसको हम देखना है तो हम एक ऑप्शन चाहते हैं कि नेम भी देखें और उसके साथ ब्रांच भी देखें और ये सारे टर्म्स भी देखें, तो उसके आप व्यूज के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे. वो सारे स्ट्रक्चर भी आप सेव कर सकते हैं कहां पर? डेटा डिक्शनरी में. और टेबल्स हो गया, सिस्टम यूजेस द स्ट्रक्चर ऑफ ABAP डेटा डिक्शनरी टेबल टू क्रिएट फिजिकल टेबल्स. द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप इन डेटा डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या होंगे? जैसे टेबल हुआ. So, on views हो गया, views हो गया मल्टीपल टेबल कंबाइन टू क्रिएट लॉजिकल व्यूज. जैसे बताया था आप दो टेबल है उसको आप कोई लॉजिकल कनेक्शन देके आप देखना चाहते हो सिंगल टेबल में, तो उसको आप व्यूज में स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हो. स्ट्रक्चर ऑफ दिस व्यू इज क्रिएटेड इन ABAP डेटा डिक्शनरी. डेटा टाइप क्रिएट ग्लोबल डेटा टाइप, ठीक है. और लॉक ऑब्जेक्ट लॉजिकल फंक्शन, कोई भी आप डेटा को एक्सेस करते हो तो वहां पर वो लॉक होना चाहिए, नहीं तो एक सेम टाइम में दो यूजर एक डेटा को यूज नहीं करना चाहिए. तो डेटा टाइप हो गया ग्लोबल डेटा टाइप. जैसे हम ABAP में क्या करता है, अगर डेट को लिखता है डेट मंथ एंड ईयर और दूसरे बंदे ने भी लिखा मंथ डेट एंड ईयर, तो ये अलग अलग पहले में डेट और मंथ है, तो ये सब वैल्यूज को ABAP क्या करता है अपने फॉर्मेट में रख लेता है. तो यहाँ पर हमको 8 वैल्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 8 है पर ABAP उसको 10 वैल्यूज में रखता है ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाए मंथ और डेट में, तो कि अगर किसी को भी जो फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ से वही डेटा ले सकता है. और डोमेन है मेंटेन द टेक्निकल एट्रीब्यूट्स टाइप और लेंथ फॉर फील्ड्स. जैसे नेम हो गया, नेम के एक नेम इज ए कैरेक्टर और इसको मैं डिफाइन कर दिया 30, तो बाद में मैं यूज कर रहा हूँ कुछ बहुत सारे और मुझे लग रहा है कि मुझे नेम 30 इज नॉट सफिशियंट, आई हैव टू मेक इट लाइक 50, तो मैंने उसको डोमेन को स्पेसिफाई कर दिया और डोमेन में जाके मैंने उसे चेंज कर दिया. तो जहां जहां मैंने उसको नेम डिफाइन करके नाम लिखा है मुझे हर जगह चेंज नहीं करना, सिर्फ डोमेन को चेंज कर देने से बाकी सब जगह चेंज हो जाएगा. तो ये सारे चीज जैसे डोमेन हो गया, लॉक ऑब्जेक्ट हो गया, डेटा टाइप हो गया, व्यू हो गया, टेबल हो गया, ये सारे डेटा डिक्शनरी में हम स्टोर कर सकते हैं. इन सारे चीज के स्ट्रक्चर्स उसको समझने के लिए कैसे कहेंगे, सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज लेमन लैंग्वेज में कहा जाएगा कि आप वेजिटेबल लाने जा रहे हो तो उसके लिए आप बैग लेके जाओ, तो अगर आप खरीदने जा रहे हो लिक्विड सामान तो उसके लिए आप बोतल लेके जाओ, अगर आप कोई बड़ा फैन खरीदने जा रहे हो तो एक बड़ा सा बस्ता लेके जाओ या फिर कोई बड़ा सा चीज लेके जाओ, तो उसका जो स्ट्रक्चर है जिस जगह में लेके जाना है बॉक्स लेके जाना है तो वो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर विल बी सेव्ड इन द डेटा डिक्शनरी. तो हम उसी स्ट्रक्चर को यूज करके वो डेटा रख सकते हैं. टेक्निकल टर्म में न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं या स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसको हम टेक्निकल वर्ड में उसको बोल सकते हैं. तो ये आ गया ऑब्जेक्ट नेविगेटर. ये सारे चीज को अगर हम एक ही जगह एक ही ट्री में एक ट्री स्ट्रक्चर में सब चीज को देखना चाहते हैं कि सारे जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं उसको ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर कोई एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट नेविगेटर की जरूरत पड़ती है. तो उसका एक नेविगेशन एरिया और टूल एरिया. नेविगेशन एरिया है सब चीज एक ही जगह रह जाएगा तो वो है नेविगेशन एरिया जहां आप देख सकते हो नेविगेट कर सकते हो. एक चीज को अगर आप ओपन करते हो और उसको काम करते हो उसको टूल एरिया. तो ये हमको हेल्प करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट कहीं जाने के स्क्रीन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब रहा और हमने सारा काम किया और अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट किया. सो दिस इज ऑल अबाउट your what is job of a ABAP consultant, one of the tools that you required to complete your
application. Thank you very much.